साथियों नमस्कार। CISF ट्रेड्समैन्स के जो एग्ज़ाम है 31 अक्टूबर को होने वाले हैं, इसके लिए आप सभी को बताएं जो क्वेश्चन से हम जीके की क्वेश्चंस करेंगे, जीके के फटाफट 30 क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण। पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से कौन प्रमुखता देता है। पहला क्वेश्चन आ चुका है, इस प्रश्न का राइट आंसर है, जल्दी से अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में करें। राइट आंसर दोस्तों इस प्रश्न का नागरिक, क्या है नागरिक, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी। उच्चतम न्यायालय की पहली न्यायाधीश बनने वाली महिला का नाम क्या है, फातिमा बीबी। कौन है दोस्तों, फातिमा बीबी, ये उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा संघ क्षेत्र राज्य कौन सा है। संघ क्षेत्र राज्य अंडमान निकोबार है। कौन सा भैया, अंडमान निकोबार। तो मैं फटाफट करूंगा क्योंकि एग्जाम नजदीक में, मैं रोजाना 2 से 3 वीडियो अपडेट करता हूं आपके लिए। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जोगिया गरसोपा जलप्रपात है, इसका जो वर्तमान नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। क्या है, गांधी, सॉरी महात्मा गांधी जलप्रपात आपका राइट आंसर है। प्रायद्वीप भारत में निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गुजरती है। सवाल जैसे पूछे ना वैसे ही आपको बताना है कि जो अरब सागर में नहीं गिरती है, ये सवाल पूछा है। लेकिन दोस्तों अरब सागर के अंदर गिरने वाली कावेरी नदी, ये कावेरी नदी है बंगाल की खाड़ी में, किस नदी में, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बाकी पेरियार, नर्मदा, ताप्ती, ये तीनों नदियां हैं ना अरब सागर की ओर गिरती है। ये सवाल भी बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, आपको ध्यान में रखना अच्छे से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, मानस पशु विहार वेरी इंपॉर्टेंट है, मानस के बारे में भी सवाल पूछा है। मानस का है असम के अंदर है, असम या फिर असम, असम। असम की राजधानी दिसपुर, यस। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, झारखंड की राजधानी रांची, राजस्थान की राजधानी जयपुर। ध्यान रखना सभी की राजधानियों में से कम 1 से 2 सवाल पूछे जाएगा। संसार का सबसे अधिक आद्र महाद्वीप कौन सा, सबसे आद्र महाद्वीप कौन सा है। तो प्रश्न का राइट आंसर है दक्षिणी अमेरिका। कौन सा दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका। आप सभी को बता दें अगर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप नंबर पे आप जुड़ जाएंगे, बिल्कुल व्हाट्सएप नंबर पे आप जुड़ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदा अपवर्धन का कारण नहीं है, अपचराई। अपचराई मृदा से संबंधित नहीं है। अगला देखेंगे, डिगो ग्रासिया महाद्वीप, डिगो ग्रासिया द्वीप किस महासागर के अंदर है। यस राइट आंसर हिंद महासागर के अंदर, किस महासागर में, हिंद महासागर के अंदर स्थित है। भिन्न भिन्न तारों में भिन्न भिन्न रंग निम्न में से किस विविधता के कारण होते हैं। भिन्न भिन्न तारे भिन्न भिन्न रंग ताप के कारण, किसके, तापमान के कारण होते हैं, किसके कारण होते हैं, तापमान के कारण होते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, मैं फटाफट 30 क्वेश्चन कराऊंगा, कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आइसोगोनिक रेखा ये किसको जो समान करती है, समान चुंबकीय झुका वाली रेखा है। जो हमारा नक्शा होता है, नक्शा के अंदर इस प्रकार से अलग अलग रेखाएं चलती हैं आडी तिरछी, तो ये ध्यान रखना इस नक्शाओं के बारे में पूछा गया। राजाओं की घाटी किसे कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, राजाओं की घाटी किसे कहा जाता है दोस्तों, राजाओं की घाटी यूनान को कहा जाता है। क्या यूनान को कहा जाता है। कोहरा, धूम कोहरा का कारण क्या, धूम कोहरा का कारण क्या, धूम कोहरा का कारण क्या, कोहरा होता है। यस वायुमंडल में प्रदूषण तत्वों के प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित उत्पादनों का तीव्र जमा होता है। अगला देखिए, सुवान घाटी जो अमेरिका में अंगूर एवं रिचर्च नींबू वंश फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है, बताइए नींबू के लिए विख्यात है। तो दोस्तों ये नींबू के लिए और दोस्तों अंगूर के लिए कैलिफोर्निया। कौन है दोस्तों, कैलिफोर्निया आपका राइट आंसर है, जो अमेरिका में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सवाल SSC के अंदर कई बार सवाल पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है, क्या है, कौन सा कथन सही है। यस देखेंगे, वह भारत का जन्मा हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उसकी आयु 35 साल होनी जरूरी, क्या है, 35 साल होनी जरूरी है, यह आपको ध्यान में रखना है। रात में तारे क्यों चमचमाते हैं,
रात में तारे चप जाने का कारण अपवर्तन, क्या है? अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण आपका राइट आंसर है। द्रव चालित, क्या है? द्रव चालित मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? द्रव चालित मशीनें पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है, पास्कल के कार्य सिद्धांत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं, सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? तो दोस्तों हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है तंजानिया की किलिमंजारो, तंजानिया की किलिमंजारो है वो संबंधित नहीं, ये सवाल बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट अगला देखिए क्वेश्चन से, सौर मंडल, क्या है? सौर मंडल या सौर प्रणाली की खोज किसने की? सौर प्रणाली की खोज केपलर के द्वारा की, किसके द्वारा की गई? केपलर के द्वारा की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस्पात या आयरन वस्तु में जिंक से पतली परत का लेपन करते हैं, उस लेपन को क्या कहते हैं? यसद लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं? यसद लेपन कहा जाता है, जिसे जंग न छड़े। अगला देखेंगे, ऑयल ऑफ विक्ट्री ऑफ के कौन है? सल्फ्रिक अम्ल, कौन सा दोस्तों? सल्फ्रिक अम्ल है। नेक्स्ट अगला देखिए, तरल पदार्थ में पाई जाने वाली धातु कौन सी, अधातु कौन सी? तरल पदार्थ में पाई जाती है अधातु, ब्रोमीन। ये भी सवाल एग्जाम के अंदर काफी हेल्प है और एग्जाम के अंदर पूछा गया है। विटामिन सी, विटामिन सी का संबंध आंवले से, भैया विटामिन सी आंवले से, केले के अंदर विटामिन सी, पपीते के अंदर विटामिन सी और सी, आम के अंदर विटामिन सी और विटामिन सी, कच्चा आम होता है तो विटामिन सी और पपी, ये मैंने आपको डिटेल से आपको बता दिया। हृदय बंध, क्या सवाल पूछा है? हृदय बंध होता है, हृदय बंध का संबंध किससे है? आवरण से, हृदयावरण, क्या है? हृदयावरण, क्या है? हृदयावरण आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रण करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस, इसका राइट आंसर है हाइपोथैलेमस, क्या है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, पौधों में जड़ों के मार्ग में पानी पहुंचने का कारण क्या है? जब पौधे होते हैं दोस्तों, पौधा है ही, बड़े बड़े पौधे हैं, यहाँ से देखेंगे, यस, पौधों के जड़ों के मार्ग से पानी पहुंचने का कारण क्या है? कैश्विक का, क्या है? कैश्विक का, ये सवाल एग्जाम के अंदर काफी पूछा गया है। वे वस्तुएं जो या तो उपभोग या अथवा निवेश के लिए निर्धारित की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? गिफिन वस्तुएं कहते हैं, गिफिन वस्तुएं कहा जाती है। तैरती हुई, क्या है? तैरती हुई विनिमय दर किसे कहते हैं? तैरती हुई विनिमय दर किसे कहते हैं? राइट आंसर नम्य विनिमय दर, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जीके से। मूल लागत किसकी बराबर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल लागत किसकी बराबर है? परिवर्तन लागत में प्रशासनिक लागत का योग कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्र में सर्वोच्च उत्पादन कौन करता है? जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें सर्वोच्च परिवहन संचार वाणिज्य उत्पादन करती है। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करते जाइए दोस्तों।